हेलो क्लास, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रॉफिट एंड गेन्स इन बिजनेस प्रोफेशन एंड द सेकंड पॉइंट इज अबाउट दी इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस? दैट इज एक्सपेंसेस व्हिच इज नॉट अलाउड। इट्स अ एक्सपेंसेस which is not allowed while the calculation of taxable business income. And following is the list one by one. See the number one. All expenses which are of capital nature, that is purchase of land and building, plant and machinery, इट मीन्स अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो अलाउेबल नहीं, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलता है। सो अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा तो डिस अलाउड है। ऑल एक्सपेंसिस विच आर ऑफ पर्सनल नेचर, सो इफ देर इज अ पर्सनल एक्सपेंसिस, दैट इज LIC प्रीमियम, क्योंकि लाइफ बिजनेस की जो वो जिंदा इंसान नहीं है, बिजनेस हम हैं तो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। विथड्रॉवल एंड ड्राइंग्स फ्रॉम द फर्म, सो इट्स दिस ऑल आर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ पर्सनल नेचर एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड। सैलरी टू प्रोप्राइटर, अगेन नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट अलाउड। डेप्रिसिएशन एज पर बुक इज नॉट अलाउड। डेप्रिसिएशन एज पर लॉ इज अलाउड, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन एज पर द बुक इज नॉट अलाउड। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अगेन इनएडमिसिबल। इनकम वेल्थ टैक्स, अगेन। डोनेशन एंड चैरिटी, ओके। एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोविजन सच एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर BDR, मतलब एनी प्रोविजन इज अगेन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर इनएडमिसिबल एक्सपेंसिस। एंड नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज इनकम विच इज कंसिडर्ड सेपरेटली टैक्सेबल। नाउ इसमें क्या है, इनकम जो हमारे इनकम के पांच हेड है उसमें से अगर रिमेनिंग चार हेड पर अगर कोई इनकम आती है तो वो यहाँ पर कैसे कंसिडर हो सकती है, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड लास्ट वन इज अ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो आपको करना क्या है, जितने भी एडमिसिबल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं उसको आपको क्या करने पड़ेंगे, आपके प्रॉफिट में प्लस करने पड़ेंगे, यू हैव टू एड इट बैक। और जितने भी इनकम ऐसी है जो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है लेकिन वो ये हेड में नहीं आती है, वो रिमेनिंग चार हेड में आती है, तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम योर प्रॉफिट। एंड दी लास्ट पॉइंट इज अगर कोई अनरिकॉर्डेड इनकम एंड लाइबिलिटी है जो रिकॉर्ड नहीं की गई है और आपको एडजस्टमेंट में दिया है तो आप क्या करोगे, अगर वो इनकम होगी बिजनेस की तो प्लस करोगे और अगर वो एक्सपेंस होगा बिजनेस का तो माइनस करोगे, जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली वो बिजनेस का है, एडमिसिबल है, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, दैट्स वाई वी हैव टू प्लस इट इफ इट इज एन इनकम एंड वी हैव टू माइनस इफ इट इज एन एक्सपेंसिस। अगर एक्सपेंसिस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। सो इस सारी चीजों को हम सम के जरिए देखते हैं। सो नाउ दिस इज द सम फ्रॉम अ बुक और यहां पर हम सम को लेते हैं। सी फॉलोइंग इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर धवल हु इज into trade of chemical goods for the year ended 31st 2020, particulars rupees लिखा है, आपको PNL account दिया है, so business का sum है। सबसे पहले क्लास आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको additional information देख लेनी है और वहां पर जो point में कुछ होगा वो पॉइंट को आपको टिक मार्क करना है। जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में करते थे एडजस्टमेंट को ढूंढ के वहां पर टिक मार्क करते थे, कई लोग 1 2 3 भी लिखते हैं, एज यू लाइक, जो भी लिखना आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर वन,
सैलरी इंक्लूड्स 1,80,000 पेड टू धवन। अब मैंने आपको पहले बोला कि अगर कोई विथड्रॉवल या ड्रॉइंग होगा तो वो इनएडमिसिबल है, मतलब आपका जो है 180 पेड टू मिस्टर धवल वो ड्रॉइंग है वन टाइप का, ठीक है, या तो सैलरी टू प्रोपराइटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना पैसा इनएडमिसिबल है तो हम सैलरी को जाकर टिक मार्क करेंगे, उसमें से इतना मुझे प्लस करना। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 60,000 फॉर द पेमेंट बीइंग मेड फॉर पर्सनल परचेज। अबे 60,000 पर्सनल, तो मैंने बोला पर्सनल एक्सपेंस भी नहीं आता, ठीक है, तो जनरल एक्सपेंस को टिक मार करूंगा, उसमें से 60,000 मुझे प्लस करना है। देन एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स 54,000 स्पेंट ऑन परचेज ऑफ न्यू परमानेंट साइन बोर्ड। अब क्लास ए न्यू परमानेंट साइन बोर्ड है, वो ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपको एक साल से ज्यादा तक बेनिफिट देगा, ठीक है, सो इट्स अ कैपिटल इन नेचर। सो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को टिक, एडवर्टीजमेंट बिजनेस का ही एक्सपेंस है, लेकिन ये परमानेंट साइन बोर्ड का जो खर्चा है कि वो कैपिटल नेचर है, तो हम उसको प्लस करेंगे। मोटर कार एक्सपेंसेस इंक्लूड 1,44,000 टुवर्ड्स पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज तो वैसे भी नहीं आता, तो मोटर कार को एक्सपेंस को टिक करेंगे, जो पर्सनल होगा वो प्लस करेंगे। अलाउबल डेप्रिशिएशन एज पर दी आई टी इज 90,000, आई टी ने 90,000 बोला है, तो आपको जो भी प्लस माइनस होगा मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। एन अनरिकॉर्डेड इनकम ऑफ 1,20,000 ऑफ केमिकल इज फाउंड आउट फ्रॉम द पासबुक। अब ये अनरिकॉर्डेड इनकम है, तो बाद में हम लास्ट में जाकर इसे प्लस करेंगे, इनकम है तो एक्सपेंस होगा तो माइनस करते, तो ये लास्ट में हम जाकर करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। इंश्योरेंस वाला एक पॉइंट रह गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 60,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तो लाइफ तो वैसे भी हमारी होती है, ठीक है, बिजनेस जिंदा इंसान नहीं है, सो इंश्योरेंस प्रीमियम को टिक करूंगा और जितना भी पर्सनल LIC है वो प्लस कर दूंगा। अपना इतना करने के बाद दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आपने क्या किया, जितना भी एडजस्टमेंट था उसको टिक मार्क कर लिया। अब दूसरी बात जो हमें करनी है, दैट इज रिगार्डिंग कौन से एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, उसको भी हम टिक मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, बैड डेट तो बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है, तो वो तो अलाउबल है। मैंने बताया था आपको एनी टाइप ऑफ रिजर्व, जिसके पीछे रिजर्व वर्ड आता वो भी नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पर बैड डेट रिजर्व उसे मैं टिक मार्क करूंगा क्योंकि उसमें नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको सेपरेटली बताया हुआ था, ठीक है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं आएगा। एडवांस इनकम टैक्स वो भी नहीं आएगा। डोनेशन चैरिटी वो भी नहीं आएगा। टेलीफोन एक्सपेंस आएगा क्योंकि वो बिजनेस का है। और डेप्रिसिएशन एज पर बुक नहीं आएगा, ये बुक के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, तो उसको भी मैंने टिक मार्क कर लिया। डिस्काउंट बिजनेस होगा तो डिस्काउंट दिया होगा। बैड डेट ड्यू टू 50% नॉट अलाउड इन पास्ट, तो जितना नॉट अलाउड होगा पास्ट में वो हम लेंगे, तो 60 का 50 मतलब 30,000 रिकॉर्ड करना है, ठीक है, सो इसे मैं टिक मार्क करता हूँ। जितना नॉट अलाउड होगा उतना पार्ट मुझे लेना है, सो 50% नॉट अलाउड, तो मैं 50% लूंगा उसमें से। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपको पता है किसमें आता था, IFOS। इंटरेस्ट ऑन POSB अकाउंट अगेन IFOS, सो इन दोनों को हम लेंगे। अब देखो कैसे सम को सॉल्व किया जाएगा। स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर धवल प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। तीन कॉलम आपको बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस एंड अमाउंट रुपीस। नाउ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप कहाँ जाओगे, आपके सब में जाओगे, और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आपको दिया होगा, नेट प्रॉफिट आपको दिया होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है 1,740,000, वो हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली, ये रहा 1,740,000। नाउ यू हैव टू ऐड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस विच इज नॉट अलाउड, वी हैव टू ऐड इट बैक। तो यहाँ पर अब देखो हम जाते हैं हमारे सम में। अब सैलरी में क्या था, 180 धवल को पे किया गया था,
सैलरी टू प्रोप्राइटर था, ठीक है, तो वो 1 ATM यहाँ पर लेंगे, पूरा 9 लाख नहीं लेना है सैलरी में से, उतना पार्ट जितना इनएडमिसिबल है, नॉट अलाउड है। तो यहाँ पर आप देखो सैलरी टू प्रोप्राइटर करके 180 लिखा है। नेक्स्ट BDR, तो BDR तो पूरा आता है, रिजर्व तो आता ही नहीं है, सो BDR का पूरा यहाँ पर लिखा है 60,000। देन जनरल एक्सपेंस, अब जनरल एक्सपेंस आता है लेकिन उसमें कुछ था, 60,000 पेमेंट फॉर दी पर्सनल परचेज, तो वो 60,000 नहीं आएगा, तो जनरल एक्सपेंस में से 60,000 आपको ऐड करना। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में भी 60,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या था, ठीक है 60,000, तो वो 60,000 नहीं आएगा, यहाँ पर LIC करके मैंने 60,000 लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं आता पूरा, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा 90,000 लिखा है। अब यहाँ पर IT है 54,000, तो इनकम टैक्स भी नहीं आता, यहाँ पर IT का भी 54,000 मेंशन है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आता है लेकिन उसमें 54,000 को साइनिंग बोर्ड का था परमानेंट, ठीक है, सो वो 54,000 मुझे लेने पड़ेंगे क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर आप देखो एडवर्टीजमेंट 54,000 लिखे हुए। देन डोनेशन, तो डोनेशन चैरिटी नहीं आता, सो उसका पूरा अमाउंट यहाँ पर लिखा होगा, तो आप देख सकते हो 18,000 पूरा लिखा हुआ है। अब मोटर कार एक्सपेंसेस अलाउबल है लेकिन उस पर पर्सनल कुछ यूज हुआ है 1,44,000, तो वो नहीं आएगा, सो यहाँ पर मोटर कार में 1,44,000 हम लोग लिखें। और डेप्रिसिएशन एज पर जो बुक है जितना 72,000 वो यहाँ पर हम पूरा लिख देंगे, सो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम लिख रहे हैं पूरा 72,000। अब क्या करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे सारा, पर जो भी आएगा वो यहाँ पर आउटर कॉलम लिखेंगे 7,92,000, इसमें ये प्लस करेंगे सो ये आएगा 25,32,000, ठीक है। नाउ लेट्स इनकम कंसीडर्ड सेपरेटली टैक्सेबल। अब हम दूसरे साइड जाते हैं, यहाँ पर मैंने बोला था नॉट अलाउड लेना है, तो 60,000 का 50% नॉट अलाउड है, सो बैडेट रिकॉर्ड में 30,000 लिखा है, देखो नॉट अलाउड ब्रैकेट में लिखा है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ओके 3 लाख रुपीज़ है, वो आईफोस में आता है तो यहाँ पर 3 लाख लिखा है। एंड इंटरेस्ट ऑन POSB वो भी आईफोस में आता है, तो उसका 1,20,000 यहाँ पर मेंशन किया है। हम तीनों का टोटल करेंगे 4,50,000 हुआ, उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 20,82,000 नेट डिजिट आया। अब लेस करेंगे बिजनेस एक्सपेंसिस और एड करेंगे बिजनेस इनकम। तो लेस में आपको क्या करना है, जितना भी डेप्रिसिएशन एज पर दी लो आपको दिया गया है IT Act वो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। सो यहाँ पर आप देखो डेप्रिसिएशन एज पर दी IT Act 90,000, तो आप क्या करोगे यहाँ पर वो पूरा 90,000 लिख लो, यहाँ पर ही रहा पूरा 90,000 माइनस। प्लस एक्चुअली दो मेथड है इसकी, 72,000 आपको एज पर बुक बोला है, 90,000 आपको एज पर लो बोला है, तो आप डिफरेंस भी माइनस कर सकते हो। 72,000 आपको बोला है बुक के तहत, 90,000 आपको बोला है हमारे लो के तहत, तो जो रिमेनिंग 18,000 है वो आप माइनस सीधा कर सकते हो लेस बिजनेस एक्सपेंस में, तो आपको वहां पर 72,000 लिखने की जरूरत नहीं। अगर वैसे वर्षा होता, ऊपर 90 होता और नीचे 72 होता, तो मुझे 18,000 प्लस करने पड़ते क्योंकि जितना लो ने बोला उससे ज्यादा मैं क्लेम नहीं कर सकता, तो आप ऐसे भी उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कई लोग बोलते हैं सर हमको पता नहीं चलता कब प्लस करना कब माइनस करना है, तो इसीलिए मैं हर बार यही करवाता हूँ कि एज पर बुक है वो प्लस कर दो, एज पर लो है वो माइनस कर दो, सो ऑटोमेटिक देखो आप 18,000 का डिफरेंस रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सो देर आर टू मेथड, सो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपको जो दिख रहा है यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन एज पर था IT 90,000 माइनस किया है, सो 20,82,000 में से 90,000 निकाला, तो 19,092,000 वहां पर बचा है। अब एक इनकम थी प्लस जो अनरिकॉर्डेड थी 1,20,000 की, तो मैंने बोला था इनकम है तो प्लस करना है, तो ये मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो एड बिजनेस इनकम करके केमिकल ट्रेड की जो भी इनकम थी यहाँ पर मैंने 120 दिखाई है, सो 19,92,000 प्लस 1,20,000 एंड हियर माई आंसर इज
21,12,000 एंड उसके सामने मुझे लिखना है टैक्सेबल बिजनेस इनकम। यहाँ पर नोट भी दिख रहा है, इफ देर इज एन अनरिकॉर्डेड इनकम एंड और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इट इज टू बी एडेड एंड और डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। सो क्लास दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट द सम ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल। इफ यू नो द यू नो द इनएडमिसिबल एक्सपेंसिस लिस्ट, अगर आपको इनएडमिसिबल लिस्ट का पता है आपको कि कितने एक्सपेंस मुझे नहीं लेने हैं, अगर आपके एडजस्टमेंट आप अच्छे से समझ रहे हो, आपको पता है कि इनकम कंसिडर्ड सेपरेटली टैक्सेबल में क्या क्या आता है, देन यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन ऑल्सो। सो नेक्स्ट सेशन में फिर से हम एक अच्छा सा सम लेंगे। थैंक यू।